लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी बाड़मेर सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने भी रोड शो निकाला। करीब 1.5 किलोमीटर रोड शो के जरिए मतदाताओं से समर्थन की अपील की गई। रोड शो में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ कांग्रेस के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़मेर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। इसके चलते बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थन में बाड़मेर शहर में रोड शो आयोजित हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित यह रोड शो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के सामने स्थित वीरेंद्र धाम से शुरू हुआ, नेहरू नगर अहिंसा सर्किल से होता हुआ गांधी चौक में समाप्त हुआ। इस दौरान रोड शो में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गुड़ामालानी विधायक एवं दिग्गज जाट नेता हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, नगर परिषद सभापति दीपक माली, पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, पद्माराम मेघवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गपूर अहमद, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रोड शो तय समय से 4 घंटे देरी से शुरू हुआ। इसके बावजूद इस रोड शो में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो से पूर्व वीरेंद्र धाम में कांग्रेस नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करवाकर विजय बनाने का आह्वान किया।